हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम लिट्टी चोखा बनाने वाले हैं, क्योंकि आज रांची का मौसम बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा क्या, ठंडी तो पहले से आ चुकी थी पर उतना ठंड था नहीं। अभी ठंड शुरू हुआ है, आज ठंड ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो हम लोग रात में सोचे कि आज क्या बने, तो सब लोग मिल के हम लोग डिसाइड किए कि आज लिट्टी चोखा बनाते हैं, वो भी बिहारी स्टाइल, जैसे कि आग पे बनाते हैं ना, गोइठे पे, उस टाइप से। तो अभी तो हमारे यहाँ गोइठा नहीं था, तो सोचा कि चलो बनाते हैं एक अलग टाइप से, बिल्कुल वैसा ही। तो सबसे पहले हम लोग चोखा तैयार कर लेंगे बैंगन और टमाटर का। तो हमने बैंगन को अच्छे से काट कर साफ़ करके धो के पहले रख लिए थे, अब इसको अच्छे से काट लेंगे और बीच से भी काट के देख लेंगे कि कुछ गंदा तो नहीं है। और टमाटर को भी हम लोग दो हिस्सों में काट लेंगे, और काट के उसके बाद हम इन्हें अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे, क्योंकि हम आज हम मतलब बैंगन और टमाटर को पका के नहीं बल्कि फ्राई करके चोखा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें थोड़ा तेल डाल के, मतलब थोड़ा क्या, अच्छे से तेल डालेंगे ताकि उसमें बैंगन और टमाटर अच्छे से पक जाए। और आटा तो हम पहले ही लगा के रख लिए हैं। तो चलते हैं, फ्राई पैन लेते हैं, उसमें तेल डालते हैं, उसमें बैंगन और टमाटर को डाल के अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ तेल मेरा गर्म हो गया है, इसमें हम बैंगन डालेंगे और इसके ऊपर से नमक डाल के ढक देंगे ताकि अच्छे से बैंगन मेरा पक जाए, और सिर्फ थोड़ा कम आँच करके चढ़ा देंगे। और जब तक बैंगन पकता है तब तक इधर देखिए दीदी क्या कर रही हैं, यहाँ पे वो अदरक लहसुन मिर्चा सब कितने बारीक बारीक काट के रख रही हैं, नींबू का रस। और यहाँ हमारा बैंगन टमाटर दोनों पक गया है, तो इसको निकाल लिए हैं और बहुत अच्छे से पका हुआ है, और इसमें मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दीदी देखिए धनिया पत्ता, मिर्चा, अदरक, लहसुन, सारा चीज़ को कितना बारीक काट के रखी हुई हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले, जब तक बैंगन और टमाटर में ठंडा होता है तब तक हम यहाँ सत्तू बना लेते हैं। तो सत्तू की तैयारी करते हैं हम लोग अभी। तो पहले हम लोग सत्तू में पहले अजवाइन और नमक, प्याज, हरा मिर्चा, धनिया, अदरक, लहसुन डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे, और क्या बोलते हैं वो अच्छे से तेल डाल के उसे मिक्स करेंगे, क्योंकि जब तक सत्तू अच्छा से नहीं बनता तो लिट्टी का मज़ा नहीं आता। तो ये सब और हरा मिर्चा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं, तो मिर्ची ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, तो हम लोग अच्छे से डाले हैं। अब इन सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सत्तू को पहले तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि लिट्टी बनने में भी टाइम लगता है, पर हमें जैसे बनाने वाले हैं उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो हम लोग आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे आज लिट्टी बनाने वाले हैं, बिल्कुल आग वाला लिट्टी के जैसा। पहले सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। अब सारा चीज़ पड़ गया, सत्तू हमारा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग लिट्टी कैसे बनाने वाले हैं। तो लिट्टी हम अपम स्टैंड में बनाने वाले हैं, और उसमें बिल्कुल ही जो हम लोग आग पे बनाते हैं ना वैसा लिट्टी बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिट्टी पहले भर लेते हैं, इसमें आटे की लोई बना के और उसमें सत्तू अच्छे से भर लेते हैं, और उसके बाद हम अपम वाले स्टैंड में ही लिट्टी को बनाएंगे, और उसमें बिल्कुल मतलब वैसा ही लिट्टी बन के तैयार होता है, बिल्कुल आग की लिट्टी के जैसा, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, ना ज़्यादा टाइट होता है। देखिए हमारा लिट्टी कितना जल्दी सिक रहा है, इसमें बिल्कुल दिख रहा है ना आग वाला लिट्टी जैसा। तो फ्रेंड आप लोग भी बताए मतलब इस पर ट्राई करके देखिए, अच्छा लिट्टी बनता है, मज़ा आता है। तो खाने में आपको तैयार हो चुके देखिए कितनी
के लिए अलग, बड़े लोग के लिए अलग, मतलब बच्चों के लिए तला हुआ मैं पूरी की जगह पहुँचे और कुछ कुछ सेकर रखा था, वो ऐसे बनता है हमारा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कैसे मुझे खाना पसंद करते हैं, आज आपको खाने के बारे में और आपके पास समाचार कैसे है। जल्दी खाना